हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे, और ये है ऑनर का ऑनर 9S जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और ये आपको मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे 6,500 रुपये की कीमत में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसके बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करके बताएंगे, अपने हैंड्स ऑन इस फर्स्ट इंप्रेशन बताएंगे और इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो ये है ऑनर का ऑनर 9S। बॉक्स में जो आपको पहली चीज़ मिल जाती है वो है ये फोन, जो कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर में है, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। काफी कॉम्पैक्ट है, 5.45 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया गया है, और ये 720p हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है। इसको रख देते हैं और दिखाते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम रिन्यूअल टूल, और इधर आपको दिया गया है एक वॉल चार्जर और साथ ही में डेटा केबल। इस फ़ोन में आपको ईयरफोन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, और ये जो वॉल चार्जर हमें बॉक्स में मिला है ये है 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, तो 5 वॉट का चार्जर है जो कि आपको इसके बॉक्स में मिल जाता है, और कोई एक्सेसरीज इसके साथ बंडल्ड नहीं है। बड़ा ही बेसिक फ़ोन है जो कि आपको 6,500 की कीमत में यहाँ पर मिल रहा है। इस फ़ोन को लॉन्च करने का कंपनी का इंटेंशन ये है कि जो लोग स्मार्टफोन पे नहीं है, फीचर फोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है बजट सेगमेंट में। तो फटाफट से आपको दिखा देते हैं कि फ़ोन किस तरह का दिखता है। तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है 5.45 इंचेस का डिस्प्ले। राइट हैंड साइड पे आपको पावर और वॉल्यूम की मिल जाती है, लेफ्ट साइड पर सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर की तरफ 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट है, नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट, और इसका जो मेन माइक्रोफोन है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखती हैं। यहाँ पे ईयर पीस, और ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरा जो है वो इसका 8 मेगापिक्सल का है, और यहाँ लिखा है 8MP हाई डेफिनेशन कैमरा, HD कैमरा। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, फेस अनलॉक ज़रूर मिल जाता है। फ़ोन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और ये 3020 mAh की बैटरी के साथ आपको मिल जाता है। मैं फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ, इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस दिखाते हैं, इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसा है यूज़ करने में। तो फ़ोन को हमने कर लिया है फटाफट से सेटअप। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो फेस अनलॉक का फीचर इसमें दिया गया है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको हुआवे का अपना UI जो है मैजिक UI के नाम से 3.1 वर्जन मिल जाता है, जो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। और ये जो ऑनर 9S है, काफ़ी बजट सेगमेंट का फ़ोन है, लेकिन फिर भी इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो मुझे ठीक ठाक लगा। फ़ोन जो है रिस्पॉन्स ठीक ठाक कर रहा है। इसके प्रोसेसर और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको इसमें मीडिया टेक का 6762 प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टाकोर 2GHz प्रोसेसर है, और साथ ही में आपको 2GB रैम और 32GB स्टोरेज का ऑप्शन इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी बेसिक है। बट मेरे हिसाब से आप क्योंकि इसकी काफ़ी कम कीमत चुका रहे हैं, 6,500 की कीमत में, आपको डेफिनेटली कुछ और फ़ोन मिल जाएंगे इस कीमत में जो शायद इससे ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशंस देंगे। बट हम ओवरऑल पैकेज की तरह इसको कंसिडर करते हैं और देखते हैं बाकी के फीचर्स कैसे हैं। तो बात करते हैं कैमराज की, तो यहाँ पे कैमराज हमने इसके टेस्ट किए, फ्रंट और रियर दोनों कैमराज, और फ्रंट में आपको दिया जाता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि ठीक ठाक सेल्फीज़ ले रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेलिंग ठीक ठाक है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूँगा और साथ ही में बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये उतना ख़राब भी नहीं है। 6,500 रुपये के फ़ोन के हिसाब से ठीक ठाक फ़ोटोज़ ले रहा है, कलर क्लैरिटी नेचुरल है, लेकिन डिटेलिंग थोड़ी उतनी डिटेल नहीं है, ग्रेनीनेस हल्की सी दिख रही है। 8 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा है, और यहाँ भी मेरे को काफ़ी एवरेज से और सॉफ्ट सी इमेजेस दिख रही हैं। तो कैमरा इसके ठीक ठाक हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं। फोकसिंग का कुछ कुछ इमेजेस में इश्यूज है, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस इसने अच्छी खींची हैं, तो मे बी ये फोकस कभी कभार मिस कर देता है, और कुछ ये मैंने इससे क्लोजअप शॉट खींचा है, तो ये काफ़ी अच्छा आया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है इसका कैमरा, लेकिन ठीक ठाक काम कर रहा है नॉर्मल ब्राइट लाइट सिचुएशन में। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, ये 720p का डिस्प्ले है, और फ़ोन काफ़ी हैंडी है, छोटी सी फॉर्म फैक्टर में आता है, लेकिन इसकी बैटरी भी छोटी है, 3020 mAh की बैटरी है। तो 6,500 रुपये में क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए, मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ और पूरी तरह से इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मुझे कुछ चीज़ें इसकी अच्छी लगी, डिज़ाइन अच्छा लगा मुझे, इसका फॉर्म फैक्टर अच्छा लगा। एक और चीज़ जो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इसमें गूगल प्ले की सर्विसेज नहीं है, तो अगर आपको ऐप्स डालनी है तो आप फ़ोन क्लोन के थ्रू डाल सकते हैं, जो हुआवे का एप्लीकेशन है ऑनर का। इसमें पेटल सर्च दिया गया है और साथ ही में ऐप गैलरी दिया गया है, ऐप गैलरी के थ्रू आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑल्टरनेट फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें गूगल की जो डिफ़ॉल्ट प्ले सर्विसेज और प्ले स्टोर वगैरह वो इंस्टॉल नहीं है।
और आपको जीमेल वगैरह भी यूज़ करना है तो आप इसके जो ईमेल एप्लीकेशन है उसमें जाके आप जीमेल अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन जीमेल की एप्लीकेशन इसमें इनबिल्ट नहीं आती है। तो ये था हमारा फर्स्ट हैंड्स ऑन और इम्प्रेशंस ऑनर 9S के। क्या आप 6,500 रुपये की कीमत में इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहेंगे, हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप करके बताइए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।